हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी असेसमेंट वर्कशीट करने वाले हैं जो आपकी 3 दी गई है। तो सभी बच्चे, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसे खुद ज़रूर सॉल्व करोगे एक बार, फिर आप लोग मेरी वीडियो से इसे मैच कर सकते हो, जो आपसे गलती हुई है वो करेक्ट कर सकते हो। कि आपको ये स्कूल की तरफ से टेस्ट दिए गए हैं तो आप खुद ज़रूर ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते थे? तो बच्चों, उड़ीसा में इन्हें सबसे ज़्यादा माना जाता। इसमें से कौन सी जनजातीय भाषा सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है? जनजातीय भाषा पूछी तो आपकी इसमें जो संभाली भाषा है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हस्तीकरण की वजह से किसी खास स्थान तक सीमित हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? बच्चों, वो भटोआइजेशन कहलाता है। भारतीय संविधान के मौलिक आधार के किस अनुच्छेद के द्वारा छूत को खत्म किया जा सकता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसके द्वारा हम लोग छुआछूत हैं? तो आर्टिकल नंबर बच्चों आपका वो 17 था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 से क्या संबंध है? आपका जो आर्टिकल 15 है उससे क्या संबंध है? समानता का अधिकार होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण किस वर्ष में बनाया गया? तो आपका ये किस वर्ष में बच्चों बनाया गया, आपको ये बताना है। तो बच्चों, ये 1989 में बनाया गया था। ठीक है, सी के जानू एक प्रमुख क्या थे आपको बता? वो बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा ठीक है आदिवासी के कार्यकर्ता, वो आदिवासी के ऊपर काम किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूह संख्या का वास स्थान? तो आपका मध्य प्रदेश आदिवासी है। ठीक है, अब देखो प्रश्न 9 से 10 में आपको क्या करना है, ये आपका कारण दिया है, ये निरूपित आपको सही से पढ़ के आंसर देने हैं। हमें ये तब लगाना है जब हमारा कारण भी सही है और कारण भी सही है, कथन भी, तब आपको इसमें कथन का दोनों वाक्य करता है, इसमें कथन का कारण दोनों सही है तो आर है, आपका जो कारण है उनसे वाक्य नहीं करता, उससे रिलेशन नहीं है। सी हम तब लगाएंगे जब कथन ए सही, जवाब कारक गलत। ठीक है, डी तब लगाएंगे जब ए गलत है, कारक सही है। पहले मैं आपको 9 में क्या दिया गया, आदिवासी लोगों को अपना वास स्थान छोड़ना, ठीक है, छोड़ना पड़ा, ये आपका सही है। जंगल के इलाकों में प्रकार के तो ये इसका रिलेटेड नहीं है, ये सही है पर रिलेटेड नहीं है, तो इसका आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें बी आ जाएगा। इसमें दिया कथन ए, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों को हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, ये सही है आपका। अब इसमें देखो, मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गई, तो ये भी बच्चों आपका बिल्कुल सही, तो इसमें ए आपका, इसमें आपका ए सही आ गया, इसमें बी। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सभी बच्चे, अगर आप लोग गिफ्ट जीतना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया, आप वहां से व्लॉग चैनल पे जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसमें आपको वीडियो में ही गिफ्ट दिखाया गया। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।